जो लोग करोड़ों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करते हैं उसकी फाइलों पर तीन तीन महीने निर्णय नहीं होते। निर्णय क्या करना अलग बात है। मैंने परसों मेरे विभाग में जो हमारे आर्बिट्रेटर्स थे और कुछ जुडिशियल हाईकोर्ट जजेस रिटायर्ड जजेस थे, बड़े बड़े अधिकारी थे, सबको घर में चाय के लिए बुलाया और मैंने उनको कहा कि करीब 89,000 करोड़ के मामले हैं, मैं आपको बिल्कुल नहीं ये कहूंगा कि आप निर्णय क्या करना चाहिए, मैं आपको यही कहूंगा कि देश की इकोनॉमी इस समय बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन से जा रही है, लिक्विडिटी की कमी है और आप तुरंत निर्णय करो। और निर्णय करने का मतलब ये नहीं है कि एनएचआई और जो दो लोगों में झगड़ा है वो एक मत हो जाए, वो कहते कि तुम दोनों एक हो जाओ, तो मतलब दोनों अगर एक होते तो आपकी जरूरत क्या पड़ती, आपके पास काय के लिए मामला आता। तो यू ट्राई योर लेवल बेस्ट कि दोनों को एक करके, नहीं होता है तो आपका इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल फेयरली जो है डिसीजन दे दो। मैं वाटर रिसोर्सेस में मंत्री था, पानी के लवाद के झगड़े थे और 70 से चल रहे थे। मैंने बहुत बार समझा, एक बार मैंने दोनों तीनों चीफ मिनिस्टर को, अभी मैंने 8 प्रोजेक्ट अटके हुए शुरू किए, तो मुझे लोगों ने कहा तुमने कैसे शुरू किया, तो मैंने चीफ मिनिस्टर्स को बुलाया, उनके सेक्रेटरी को बुलाया, मंत्रियों को बुलाया और समझाया कि ऐसा ऐसा है, ये देश के हित में आपके हित में, आप मिटाओ इसको जल्दी करो। तो एक मीटिंग हुई, दूसरे मीटिंग में मैंने उनको कहा देखो मैंने आपको समझाया था, अब तुम दोनों झगड़ा मिटाते हो कि तुम्हारा पूरा पैसा स्टेट का मैं बंद कर दूं, दो में से क्या ऑप्शन है मुझे बता दो, मैं एक रुपया नहीं देता तुमको, बैठो या मेरे एंटी चैम्बर में जाओ और बाहर आओ निर्णय करके। और 8 प्रोजेक्ट जो थे 2070 से, वो अभी 3-4 रह गए मेरे, 8 प्रोजेक्ट पूरे हो गए, एग्रीमेंट साइन हो गए,